राजकुमार। राजकुमारी मैं यहाँ आपके राज्य के लिए आया हूँ। मैं आपके और आपके राज्य की बहुत अच्छे से रक्षा करूँगा। मैं कितनी खुश हूँ। हम रोल डिसाइड कर रहे हैं, सुन लो। अगला पार्ट राजा का है। वो राजा अपनी बेटी की खुशी और उससे दूर रहने के गम से जूझ रहा है। ये बहुत ही मुश्किल किरदार है, तुम्हें इसको बहुत ही सोच समझ कर करना है। इस रोल में कोई लापरवाही नहीं चलेगी। क्या कहा, राजा का रोल? ऐसा है तो राजकुमारी और राजकुमार का रोल कौन करेगा? अरे नहीं शिजुका, टेकी सुगी तो नहीं, लेकिन मैं राजकुमार बनना चाहता हूँ। जरा देखता हूँ कि राजकुमारी का सीन सबसे ज्यादा किसके साथ है, किसके साथ है? अरे राजा के साथ। अच्छा ये बताओ, राजा कौन बनना चाहता है? मैं। तो फैसला रॉक पेपर सीजर से होगा। रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। देखो मैं जीत गया, मैं राजा बनूंगा। अरे नहीं, राजकुमारी आप कितनी अच्छी हैं, आपसे तो कोई भी दोस्ती करना चाहेगा। मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। प्लीज कहिए ना, आप भी मुझसे दोस्ती करेंगी और मेरे साथ ही चलेंगी। मुझे तो ये काफी अच्छा लग रहा है जियान। बताओ कैसा था नोबिता? बहुत ही अच्छा था जियान। तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए नोबिता, तुम्हें वो हिरन बनना है जिसका मैं शिकार करूँगा, समझे तुम? बेचारा। मैं घर आ गया। अच्छी बात है, आज बहुत गर्मी है ना? ठीक है। अरे आइसक्रीम तो नहीं है? वो मैंने खा ली। अरे नहीं, डोरेमोन मुझे आइसक्रीम अरे वाह, ये तो एक सिंहासन जैसा है। मैं एक असली राजा हूँ। मैं आज से हमेशा अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं घर आ गए। नोबिता, इस कुर्सी पर मत बैठो, हटो हटो। अरे थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने राजा को आइसक्रीम जल्दी ला कर दो। जी हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। नोबिता, क्या तुम बाहर जाके मेरे लिए कुछ सामान ले आओगे? नहीं, ऐसा कीजिए, आप ही जाकर ले आइए मॉम। ठीक है, जैसा आप कहें मेरे हुजूर। ये सब क्या हो रहा है? ये लीजिए आपकी आइसक्रीम। तुम्हारा शुक्रिया। मैंने कहा था ना उस कुर्सी पर मत बैठो, तुम क्यों बैठे? पर ऐसा क्यों? क्योंकि इसे किंग चेयर कहते हैं। अगर इस पर बैठकर तुम किसी को हुक्म देते हो तो सब तुम्हारी बात मानते हैं। फ्यूचर के डिपार्टमेंटल स्टोर ने इसे गलती से भेज दिया। अगर तुम इस पर बैठकर किसी से कुछ कहोगे तो वो मान लेंगे। अच्छा, इसका मतलब सब मेरी हर बात मानेंगे। हाँ डोरेमोन, मुझे एक और आइसक्रीम ला कर दो जल्दी। जी हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। मुझे ये नहीं करना। ये तो सच में बहुत ही कमाल की चेयर है। हाँ? कोई जाकर गेट खोलो। अरे नहीं, घर पर तो कोई भी नहीं। नोबिता, तुम अपनी स्क्रिप्ट क्लास में ही भूल आए थे, ये लो। अच्छा ये बताओ, हाँ? तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? मुझे उनसे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात करनी है, जल्दी बताओ। शुक्रिया, अब आप अपने घर जा सकते हैं। तुम ये क्या कह रहे हो नोबिता? अरे ये क्या, सर तो मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। अरे हाँ, उसके लिए मुझे सिंहासन पर बैठ के बोलना होगा। सर आप यहाँ रुकिए, मैं बस अभी आया। सुनिए सर, आप अपने घर चले जाइए। जी हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। ये कुर्सी तो सच में मजेदार है। नोबिता जी, हाँ? ये लीजिए आपकी आइसक्रीम। लाओ, तुम सच में बहुत आज्ञाकारी हो।
बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें इस कुर्सी से उठ जाना चाहिए, वही बेहतर होगा। तुम शांत हो जाओ और नीचे बैठ जाओ, जैसी आपकी मर्जी। हे नोबिता, हम प्ले की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। उसी सीन की प्रैक्टिस जहाँ पर मैं तुम्हारा शिकार करूँगा नोबिता। ज्ञान और सुनियो, यहाँ आ जाओ। जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप कहें। अब मैं इनसे क्या काम करवाऊंगा? मेरा आइसक्रीम खाने से मन नहीं भरा, मुझे थोड़ी और खानी है। हाँ, आइडिया आया। मेरा आदेश है कि मुझे सिंहासन के साथ आइसक्रीम स्टैंड तक ले जाया जाए। ठीक है, जैसा आपको पसंद हो। चलो चलो, आगे बढ़ते रहो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो। जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ, तुम सबको मेरी बात माननी होगी। रास्ते पर खड़े लोगों, मुझे सम्मान दो। जय श्री आपकी मर्जी। वाह, राजा बनना कितना मजेदार है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? ये ऑफिसर, आप भी परेड में शामिल हो जाइए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सर। राजा की जय हो। जल्दी मुझे बहुत सारी आइसक्रीम ला कर दीजिए। जैसा आप कहें, जैसी आपकी मर्जी। लगता है मेरा पेट भर गया। अरे, अब मैं इन लोगों से अपनी कौन सी इच्छा पूरी करवाऊं? हाँ सुनो जिया, राजा का रोल अब मैं करूँगा, तुम नहीं। ठीक है? ठीक है, जैसा आपको पसंद हो। चलो अब जल्दी करो और मुझे राजकुमारी शिज़ुका के घर ले चलो, मुझे ड्रामा प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, जैसा आप कहें, जैसी आपकी मर्जी। ये शोर कैसा है? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? शिज़ुका का घर आ गया। शिज़ुका, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, हमें हुआ क्या है? हम यहाँ कैसे पहुँच गए? ये मैं क्या कर रहा हूँ? चलो चलो वापस चलो। नोबिता, जियान सुनियो, चुपचाप बैठ जाओ। जैसा आप कहें, जैसी आपकी मर्जी। ये सब क्या हो रहा है? जियान कह रहा था कि आज से मैं राजा का रोल करूंगा। ठीक है शिज़ुका, हमें फटाफट प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। ठीक है? अरे नहीं, इतनी सारी आइसक्रीम खाकर मेरा तो पेट दर्द हो गया। क्या हुआ नोबिता? नहीं, कुछ भी नहीं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मुझे बाथरूम जाना है। पिताजी, मैं पड़ोसी राज्य के राजकुमार से दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे? बताइए। अब अगला डायलॉग तुम्हारा है। राजकुमारी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ, ये नोबिता भी ना। चलो, यही सही मौका है। तुम्हें इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, प्लीज इसके ऊपर से उतर जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। डोरेमोन, देख लो, अब मैं यहाँ का राजा बन चुका हूँ। अब सब ठीक है। भागने के लिए ये वक्त बिल्कुल सही है। जियान, मुझे ये गैजेट वापस भेजना। सब मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके बाद राजा शिकार करने गए। हे, चलो अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। जी हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। मुझे तीर लग गया। हे, तुम अभी नहीं गिर सकते। लेकिन हुजूर, मुझे तीर लग गया है। चुप हो जाओ, जैसा कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, जैसा आप कहें हुजूर।
मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। अरे डोरेमोन, ये नोबिता गिर क्यों नहीं रहा? उसे जियान का आदेश मानना ही पड़ेगा, इसलिए। काश मैं वहाँ होता। पिताजी, मैं पड़ोसी राज्य के राजकुमार से दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे ऐसा करने की इजाज़त देंगे? बोलिए। नहीं राजकुमारी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको यही मेरे साथ रहना पड़ेगा, ठीक है? जी हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। और राजकुमार, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। ये तो बड़ी ही अजीब सी कहानी है। अब तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझे इस लेक को खत्म करना ही होगा। राजकुमारी, आप कितनी अच्छी हैं, आपसे तो कोई भी दोस्ती करना चाहेगा। मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज कहिए ना, आप भी मुझसे दोस्ती करेंगी और मेरे साथ ही चलेंगी। क्या प्ले में ऐसी लाइन तो नहीं थी? सच कहूँ तो मुझे इसी बात का डर था।